अभी हम 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, और 11 से 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन के ऊपर है। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं, रोहित स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर गोइंग 20 मीटर्स, देन ही टेक ए राइट टर्न एंड गोज 30 मीटर। तो यहाँ पे वो नॉर्थ की तरफ 20 मीटर चलता है, फिर वो टेक ए राइट टर्न, वो 30 मीटर चलता है। ये डायरेक्शन देते वक्त आप प्रोपोर्शनल डायरेक्शन देना मत भूलिएगा। और ये 20 जैसे है तो 20 से 30 प्रोपोर्शनली उतना बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगा। देन ही टेक ए राइट टर्न एंड गोज 45 मीटर। अभी वो अगेन राइट टर्न लेता है और 45 मीटर चलता है। तो ये हो गया आपका 45। देन ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड गोज 20 मीटर। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है। तो ये हो गया आपका 20। फाइनली ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड गोज 15 मीटर। अगेन वो लेफ्ट टर्न लेता है और 15 मीटर चलता है। तो ये समय यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 15 मीटर। आपको ध्यान रखना है ये 20 मीटर है, तो 20 मीटर इधर है, तो यहाँ पे 25 मीटर है ये, ठीक है? क्योंकि ये टोटल 45 मीटर है, तो 25 मीटर है। तो ये 15 मीटर इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे और 10 का गैप होना चाहिए, ये 10 का गैप होना चाहिए। तो अभी वो पूछ रहा है इन हुइच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ था, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ था, तो उसका जो डायरेक्शन है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट ही होगा क्योंकि थोड़ा सा नीचे है तो साउथ ईस्ट है। तो आंसर जो है साउथ ईस्ट है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है। मिस्टर कमल गोज 17 मीटर टू ईस्ट। तो अभी 17 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट हमेशा राइट साइड की तरफ होता है आपका, तो ये 17 मीटर ईस्ट की तरफ। देन ही टेक ए राइट टर्न एंड गोज 52 किलोमीटर। उसके बाद वो 52 किलोमीटर राइट लेने के बाद, राइट, देन ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड गोज 7 किलोमीटर। यहाँ पे वो 7 किलोमीटर चलते हैं। अगेन ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड गोज 21 किलोमीटर। उसके बाद अगेन यहाँ पे वो 21 किलोमीटर चलता है। तो ये 21। फाइनली ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड गोज 24 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेके 24 किलोमीटर चलता है। तो 24 किलोमीटर क्या है कि ये 17, यहाँ 7 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 7 है और ये 17 है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है ऐसे, तो ये 24 बनता है। तो ये जस्ट उसके नीचे आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे आ जाएगा। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, जस्ट नीचे आ जाएगा ये, ठीक है? हाउ फार एंड हुइच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये तो साउथ हो गया, और हाउ फार जो बोला जा रहा है तो ये सिंपली 52 से 21 माइनस कर देने से 31 हो जाएगा। तो आंसर है 31 किलोमीटर साउथ, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। नेहा स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम हर ऑफिस, इनिशियली सी गोज 20 मीटर। 20 मीटर वो चलता है। इस केस में जब डायरेक्शन नहीं दिया रहता है तो हम उसको किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। सपोज हम ऊपर की तरफ लेते हैं, ये 20 मीटर, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है 20 मीटर। देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लेने के बाद 30 मीटर, ये प्रोपोर्शनली ज़्यादा होना चाहिए 30। अगेन सी टेक ए लेफ्ट टर्न
अगेन लेफ्ट टर्न लेने के बाद एंड गोज 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर डबल होना चाहिए 20 का, तो यहाँ पे 40 किलोमीटर आ गया। फाइनली सी टेक्स ए टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड गोज 10 किलोमीटर, तो उसने अभी ईस्ट की तरफ एक टर्न लिया और 10 मीटर चला, ठीक है 10 मीटर। हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूरी पे है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, या दूसरा कलर कर लेते हैं, यहाँ पे उसका 20 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे भी वो 20 मीटर पे है। ऐसे तो यहाँ क्वेश्चन दिया है हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बट ये डायरेक्शन का बात आ रहा है, तो ये शायद थोड़ा सा कुछ गलती है इसमें। तो उसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, वो साउथ है, हालांकि आंसर में तो की में जो दिया है वो सी दिया था। ये सी है, बट क्योंकि ऑप्शन में दूसरा कुछ नहीं दिया है, नॉट फॉलोस तो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी नहीं हो सकता, तो ये साउथ ईस्ट या कुछ नहीं दिया है, तो ये आपका साउथ की तरफ ही हो सकता है। अगर ये हाउ फार इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, तो ये आपका 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रूट निकाल देंगे, तो यह आ जाएगा आपका, ये डिस्टेंस का आपका मिल जाएगा कितना डिस्टेंस में है स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, क्योंकि ये 20 है और ये भी 20 है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन मॉर्निंग अमित एंड सुमित वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, तो अमित और सुमित एक दूसरे से बात कर रहे थे। अमित सेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सुमित, ठीक है, तो मान के चलते हैं अमित यहाँ पर खड़ा है और ये सुमित मान लेते हैं, ये अमित है, ये एक दूसरे की तरफ देखते हुए बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अमित का जो शेडो है वो सुमित के राइट साइड में पड़ा है, तो ये सुमित है और ये अमित है, तो सुमित के राइट साइड में अमित का शेडो पड़ा है, यानी कि इस तरफ ये उसका शेडो है, क्योंकि सुबह का टाइम है, एक बात समझ लीजिए, सुबह का टाइम है तो सन इस साइड से आएगा, तो सुमित के राइट साइड में उसके तरफ होगा, तो इन हुई डायरेक्शन सुमित इज फेसिंग, तो सुमित जो है वो साउथ की तरफ फेस किया है, ठीक है, तो ईस्ट का जो सूरज अगर ईस्ट इस साइड से हुआ तो सूरज का रोशनी इस साइड से पड़ा तो नॉर्थ इस साइड हो जाएगा और साउथ इस साइड हो जाएगा, सिंपल है, तो सुमित का फेस साउथ की तरफ है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। ए मैन फेसिंग नॉर्थ, एक बंदा नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, ये बंदा नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है, ही टर्न्स टू 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज, अब वो क्लॉकवाइज में 180 डिग्री घूम जाता है, तो उसका फेस जो है अभी नीचे की तरफ हो जाता है। एंड अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, अभी 90 डिग्री और घूम जाता है वो सेम डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज में, तब उसका फेस इधर हो जाता है।